श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दी थी और खुद पांडवों के पक्ष में आ गए थे। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे और निहत्ते ही पांडवों को विजयी बनाएंगे। लेकिन युद्ध के 9वें दिन जब भीष्म पितामह कहर की तरह बरस रहे थे पांडवों पे, तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन इनसे नहीं जीत पाएंगे और कुछ ही देर में शायद पांडवों को हरा देंगे भीष्म पितामह। ऐसे में श्री कृष्ण ने रथ का पहिया अपने सर पर उठा लिया और वो अटैक करते उससे पहले ही भीष्म पितामह, क्योंकि जानते थे कि ये भगवान है, ईश्वर है, तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ जोड़कर भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, फिर आपने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, आपका तो नाम ही इसलिए भीष्म है क्योंकि आप अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रण सत्य और धर्म से ऊपर नहीं होता। अगर आपकी प्रतिज्ञा की वजह से सत्य का हनन हो रहा है और आप अधर्म के साथ जुड़ रहे हैं तो वो प्रतिज्ञा गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं तो इंसानों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर कोई प्रण, कोई प्रतिज्ञा ले ली है जिस प्रतिज्ञा की वजह से वो गलती से ही सही लेकिन अधर्म के साथ ही बन रहे हैं, तो उस प्रतिज्ञा को तुरंत तोड़ देना चाहिए।